सर्राफा बाजार में गिरावट देखने को मिली है। एक रात में सोना सस्ता हो गया है और चांदी के रेट भी गिर गए हैं। अगर आप भी सोना या चांदी में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो या सोने में निवेश करना चाहते हो तो रुक जाइए। सोने और चांदी की खरीदारी करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि सोने में निवेश करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको तीन बड़ी वजह बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी सोने में निवेश नहीं करोगे, तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख ले। सोने और चांदी का भाव लगातार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में सोने ने काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है। लेकिन अगर आप भी सोने में बड़ा निवेश करना चाहते हो, सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो, तो आपके लिए इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों को लेकर देश के दिग्गज कारोबारी एक्सपर्ट ने बड़ी रिपोर्ट दे दी है, जिसे जानना आपके लिए काफी जरूरी है। पहली बड़ी वजह है सोने की कीमत। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों पर नजर डाले तो पिछले कुछ सालों में सोने की कीमतों में बड़ी तेजी आई है, लेकिन ये तेजी महामारी और आर्थिक अनिश्चितता की वजह से देखने को मिली है। दुनिया भर के कई देशों के बीच में काफी तनाव देखने को मिला है। हालांकि आने वाले सालों में आर्थिक अनिश्चितता कम हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर की ज्यादातर देश अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं। जिस तरह से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को गिरते हुए देखा है, अब उसे आगे ले जाने के लिए उसके ऊपर कार्य कर रहा है, और दुनिया भर के कई देश आपस में काफी कम तनाव कर सकते हैं। इसी को लेकर अमरीकी कारोबारियों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में आने वाले समय में ज्यादा रिटर्न नहीं देखने को मिल सकता है, यानी कि सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। सोने का भाव सस्ता हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह है सोने की ज्वेलरी। अगर आप भी सोने और चांदी की ज्वेलरी खरीदने को सोने में निवेश मानते हो तो आप बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सोने की ज्वेलरी आपको उतना रिटर्न नहीं देती है जितना आपको मिलना चाहिए, क्योंकि सोने की ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज और कई तरह के अलग चार्ज लगाए जाते हैं, जिसे बेचने पर आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। उसके लिए आपको लगभग 5 साल का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उतना रिटर्न तो आपको बैंक FD या फिर सरकारी स्कीम में आराम से मिल सकता है। ऐसे में सोने की ज्वेलरी को सही निवेश नहीं मानना चाहिए। कारोबारियों के आंकड़ों को माने तो उनका मानना है कि सोने में 1 साल में जितना रिटर्न मिलता है उतना शेयर मार्केट में 1 महीने में मिल जाता है। चलिए तो अब बात करते हैं तीसरी बड़ी वजह के बारे में। तो तीसरी बड़ी वजह सोने में आ सकती है महामंदी। जी हाँ, सोने में महामंदी आ सकती है। सोने में निवेश करने की सबसे बड़ी वजह सोने का भाव है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सोने का भाव तेजी से आगे बढ़ा है, जिसके बाद कई सारे निवेशकों ने सोने में अच्छा खासा निवेश किया है। लेकिन आने वाले सालों में सोना निवेशकों को मायूस कर सकता है। दरअसल आर्थिक अनिश्चितता और महामारी की वजह से सोना अपनी वास्तविक भाव से कई गुना बढ़ चुका है। अगर आप भी सोना खरीदते हो तो आपको आने वाले समय में ज्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता। कारोबारियों की रिपोर्ट के अनुसार सोना अपने वास्तविक भाव पर नहीं है, यानी कि सोने में और गिरावट आ सकती है। जब भी अपने वास्तविक भाव पर सोना आता है तब आप सोने में अच्छा खासा निवेश कर सकते हो, लेकिन अभी सोने में और गिरावट आ सकती है। ऐसे में अगर आप भी रोजाना सोने और चांदी के ताजा भावों को जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।